विजयपुर शहर के गगन महल गार्डन में आज मंगलवार दोपहर के समय पर एक मामला पेश आया, जहां सांप जो के सड़क किनारे लगे बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। तो पक्षी चौंक गए और चहक उठे। इससे गगन महल में आराम करने आए पर्यटकों और जनता में बह का माहौल बन गया था। दरअसल डीसी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर मौजूद गगन महल, इस दौरान रोड से गुजर रहे लोगों ने अपने वाहन रोक कर पेड़ पर चढ़े सांप को देखने के लिए घटनास्थल पर रुक गए। साथ ही ट्रैफिक जाम को देखते हुए इस समस्या के प्रति पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक को नियंत्रण किया। इसी बीच हितनल्ली निवासी उमेश ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए पेड़ पर चढ़कर इस सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है, जिसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने काफी उमेश की सराहना भी की है। तो देखिए इस पर एक निगाह, तो देखिए इस पर एक नजर। विजयपुर शहर के गगन महल गार्डन में आज मंगलवार दोपहर के समय ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗಂಗ್ಯಾಗೌಡ ಸರ್. ನಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಸರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಗನ್ಮಾಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಾವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗಿಡದಾಗ ಹಾವಿತ್ರಿ ಒಂದು, ಅದು ರ್ಯಾಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅತ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ. ನಾ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಹಿಡಿಲತ್ತು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದರ ಸುಮಾರು ಹಾವು ಹಿಡಿದೀನಿ ರೀ, ನಾಗರ ಹಾವು ಹಿಡಿದೀನಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದೀನಿ, ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ತದು ಹಿಡಿದೀನಿ ರೀ. ಕಟ್ಟು ಹಾವು ಬರ್ತದೆ, ಕಟ್ಟು ಹಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗಿಂತ 14 ಪಟ್ಟು ವಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್. SS न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल SS न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए SS न्यूज।